भोपाल से। ठीक है ससुराल मुझे ले कोई ऊपर का नाम है। मैं सैफ के ननिहाल और बिग बी की ससुराल धर्मपाल जी शुरू कर रहे हैं। नहीं 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 तो हम लोगों के पास रहेगा ना सिर्फ लिखने में आसानी हो जाएगी। As judges or as audience? Both. Judges. Judges के नजरिए से अगर मैं हाँ वही से रखिए आ जाए। मैं expect इधर से करिए आ जाए। क्योंकि पिछला season नहीं हो जाए। इतना high level performances देखने को मिले हम लोगों को और इस किस्म के बच्चे देखने को मिले जो मुझे लगता नहीं था कि पैदा भी हो सकते हैं। I was in shock. अब इस ऑडिशन के बाद आप बिलीव नहीं करोगे मेगा ऑडिशन के बाद तो मैं शॉक में गई हूँ कि उससे भी ऊंचा लेवल हो सकता है। तो ताज्जुब की भी बात है और काबिले तारीफ बात यह है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ये हमारे जो सोनी टीवी वाले हैं घूम के निकालते ऐसे टैलेंट हुए और सिर्फ टैलेंट के साथ ही नहीं है बट मेहनती बच्चे और क्योंकि हमारे शो का जो लाइन है जो आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि मैजिक मेहनत में बहुत ही फिट बैठता है इनका जो मिलना और मेहनत करने के लिए राजी होना बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो ऑडियंसिस के लिए इस बार डेफिनेटली डबल धमाका होगा चैप्टर और मेरे लिए तो एज अ जज आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी ऑन दिस शो क्योंकि देखिए एक होता है आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और फिर आप कर सकते हैं लेकिन हम जैसे जजेस हैं कि हम सीखने भी गए तो भी नहीं कर पाएंगे। मैं सच बात बोल रही हूँ क्योंकि ये जो बच्चे हैं चमत्कारी कुछ ऐसा टैलेंट है जिसे आप सिखा नहीं सकते। इट हैज़ टू बी इनबॉर्न इट हैज़ टू बी इंट्रिंसिक। तो द चिल्ड्रन दैट आर ऑन दिस शो देयर सम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतने अनबिलीवेबल इनक्रेडिबल टैलेंट के साथ आए हैं। एक लड़की है जो रोबोटिक्स ऐसे करती है मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे रोबोटिक्स करते देखा नहीं है जो सिलेक्ट हुई है। दो ऐसी लड़कियां थी जो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि दे वो वेरी वेरी क्लोज और उनको ऐसे लगा कि उनमें से एक अगर सिलेक्ट हो गई तो फिर दूसरे को बुरा लगेगा तो दे गॉट बैक। सो ऐसे भी बच्चे हैं जो इतनी कम उम्र में इस बात को अहमियत दे रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के फीलिंग को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए विच इज़ सो अनबिलीवेबल। तो ये एक बहुत कमाल की बात है कि इस शो के जरिए जो बच्चे देख रहे हैं जो फैमिलीज देख रहे हैं एक अच्छी सी सीख भी मिलती है उनको मतलब